दोस्तों, ये बीच को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। फिलहाल हम लोग शाम में 5 बजे ये बीच को जो है देखने के लिए पहुंचे हैं। एक पल तो मुझे ऐसा लगा कि शाम में इस बीच को देखना हमारे लिए काफी इम्पॉसिबल। यहाँ पहुंचने के बाद जैसे मुझे जानकारी मिली कि इस बीच को देखने के लिए लोग शाम में ही आते हैं। ये जानकारी के साथ जैसे ही हम शाम में इस बीच के पास पहुंचते हैं तो सचमुच दोस्तों शाम के वक्त यहाँ का माहौल ही कुछ अलग है। यहाँ पे आज हजारों की संख्या में आए हुए दुनिया भर से यहाँ समुद्र में आने वाले ये बार बार लहरें और डूबता हुआ सूरज की साक्षी है कि इस समुद्र तट को ये खूबसूरती का जो है ना 4 चांद लगा रही है। हकीकत का सामना तो मुझे तब हुआ जब ये पता चला है कि इस बीच को देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा यात्री जो है दोबारा ही आते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को इस बीच के बारे में जो है पूरा डिटेल्स जो है इस वीडियो के माध्यम से हकीकत का हूबहू जो होने वाला है। तो आप लोग ये वीडियो को शुरू से लेकर के देखते आ रहे हैं तो आप लोग लास्ट तक जो है जरूर देखिएगा। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और सफर में और आप लोगों का स्वागत है चेन्नई के मरीना ब्रिज में। दोस्तों, अभी शाम का जो है ना करीब 5:20 जो है ना करीबन हुआ है और शाम में हम लोग जो है ना अभी चेन्नई के मरीना ब्रिज में जो है आए हुए हैं और यहाँ का भाई शाम का जो व्यू जो है ना है, आप लोग को मैं एक बार जो है ना अगर इधर आते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि शाम का जो है ना समय में आप लोग जो है इधर घूमने के लिए आइए, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना लाजवाब है। वैसे शाम में जो है ना आप लोग इधर स्नान भी कर सकते हैं बट मैं रिकमेंड करूँगा शाम में जो है ना मत नहाइएगा क्योंकि भाई यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। देखिए अभी किस प्रकार जो है ना यहाँ पर है क्राउड, तो जो है ना आप लोग किसी भी टाइम में अगर आते हैं तो मरीना बीच में जो है ना आप लोगों को पता होगा, अगर कहीं से भी आप लोग सर्च करते हैं तो सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ इंडिया का ये जो है ना मरीना बीच है और ये जो है ना अभी चेन्नई MGR चेन्नई सेंट्रल से जो है ना काफ़ी नज़दीक में है, 15 से 20 किलोमीटर जो है ना दूर है। आप लोग जो है ना 2A गाड़ी पकड़ के जो है ना 15 रुपया टिकट दे करके यहाँ तक आ सकते हैं। तो जैसे कि पता होगा मैं आगे जो है ना सफ़र करते रहता हूँ और आगे में काफ़ी सारा जो है ब्लॉग इस पर जो है ट्रेन रिलेटेड जो डालता हूँ, अगर यहाँ का जो है व्यू देखें तो मुझे भी हुआ कि आप लोग को भी जो थोड़ा सा अपडेट कर दिया जाए क्योंकि दोस्तों यहाँ जो है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जो है यहाँ का दृश्य है और शाम के दृश्य में भाई जो है ना आप लोग और भी ज़्यादा जो है काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग जो है फैमिली के साथ आते हैं तो रूम वगैरह वगैरह सब कुछ आप लोगों को जो है मिल जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ये यहाँ पर जो है रूम तो अवेलेबल रहता है। उसके बाद यहाँ पे चेन्नई बीच के साथ साथ जो है बहुत जगह जो है आप लोग घूम सकते हैं, बहुत सारा जो है यहीं आसपास में जो है आप लोग लाइट हाउस उसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ जो है देखने के लिए मिल जाएगा। पहली बार जो आप लोग भी जो है कन्फ्यूज भी हो जाइएगा यहाँ बीच तक जो है आने के लिए और यहाँ पर आने के बाद जो है आप लोग हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, उस पर अगर बच्चा के साथ आते हैं तो झूला भी झूल सकते हैं, तो बच्चा को भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर आने के बाद जो इन्जॉय मिल सकता है। और शाम के आने का जो है ना मेरा एक ही मकसद है कि यहाँ से आप लोगों को जो है ना सनसेट का जो है ना पॉइंट दिखाऊं। देख रहे हैं अभी जो है ना सनसेट हो रहा है और अभी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है शाम में देखिए सब जगह जो है लाइट जो है ना जल चुकी है मरीना बीच में और अभी आप लोग जो है चारों साइड का नज़ारा देखिए। करीबन मुझे जो लगता है ये जो है ना 10 से 11 बजे रात्रि तक जो है ना यहाँ पे आप लोगों को आदमी सब जो है ना मिल जाएगा। उतना देर तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं 8 बजे तक जो है ना चले जाऊँगा क्योंकि यहाँ से मुझे 10 बजे जो है ना गाड़ी है बेंगलोर के लिए। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आने के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा आप लोग को जो है इन्जॉय मिलने वाला है। मैं पहली बार इधर आया हूँ, वैसे चेन्नई में मैं जो है पहली बार दूसरी बार जो है मेरा चेन्नई में है तो मैं पहली बार जो है इधर आया हूँ। अगर मुझे पता रहता कि इतना ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे है तो मैं पहले भी जो है इधर आता। यहाँ देखिए हॉर्स राइडिंग, उसके बाद आप लोग जो है ना ऊँट का भी जो है सवारी कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ऊँट था किधर चले गया पता नहीं। उसके बाद आप लोग जो है खाने पीने का जो है यहाँ पर इतना ज़्यादा खाने पीने का दुकान मिल जाएगा ना आप लोग जो है अगर देखिए वेज नॉन वेज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। समुद्र से जो मछली मिलता है ना आप लोग शायद ही जो वो मछली देखे होंगे, अगर मरीना बीच पर आते हैं तो वो मछली आप लोग को जो खाने के लिए मिल सकता है। बाकी अपने पॉकेट में जो है ना पेमेंट जरूर लेकर आइएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो खरीदने के लिए भी जो दुकानदार सब भी जो है ज़्यादा ज़्यादा जो है रुपया मांगता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़्यादा कॉस्ट में जो है आप लोगों को यहाँ पे जो खाने के लिए अगर कोई भी सामान खरीदते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है कॉस्ट लगने वाला है। वैसे हॉर्स राइडिंग का जो है आप लोगों को एक आदमी का जो है 50 रुपया जो है लेने वाला, अगर डबल चलते हैं तो 100 रुपया, काफ़ी ज़्यादा जो है ये बीच महंगा है और आदमी के हिसाब से देखिए महंगा होना भी चाहिए। अभी
शाम का समय है, मुझे लगता है यहाँ पे जो है ना 5,000 से ज़्यादा आदमी जो है ना होगा। अगर यहाँ पे कोई प्रोग्राम हो जाता है, जैसे कि मैं अभी आया हूँ और 5 दिन पहले मुझे पता चला है यहाँ पे जो है ना एयरफोर्स जो है फ्लाई, मतलब हाँ देखिए ऊपर में भी अभी जो है दिख एयरफोर्स सब जो है ना कुछ प्रोग्राम किए थे आकाश मार्ग से, तो वो प्रोग्राम देखने के लिए यहाँ पे जो है करीबन 7 लाख आदमी जो है उपस्थित हुए थे, 7 लाख जो काफ़ी ज़्यादा जो है ना यहाँ पे हो गया था। और यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा अभी भी आप वो न्यूज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कितना आदमी जो है ना प्रॉब्लम में फंस गया था 5 दिन पहले वो, मतलब कि वो प्रोग्राम देखने के लिए।